I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta fill up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! So we see that World of Wonder is making dreams into reality. The excitement, creativity, and the euphoria of creation are all part of it. We see that the community has received this well, with a variety of trends and maps coming to life since its inception. But what makes it truly unique are the creators and the maps they create. So, let's ask them, what was the inspiration behind their maps? The thing which inspired me most is the word most creative cartoons, most creative series and other movies. My first map, I used the different devices of the dinosaur like Velociraptors. And created a very good quality map. तो फिर वो कैसल को ही टारगेट करके हमने कुछ मैप बनाया. उसको हमने लिमिटेड किया कैसल के अंदर ही, जिसमें टीम्स होंगी उनको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ गन्स दी जाएंगी और वो एक दूसरे से फाइट करेंगे और उसके रिजल्ट्स आएंगे. मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैंने एक ऐसा मैप बनाना है जिसके अंदर हमारी पाकिस्तान की जो नेचुरल ब्यूटी है वो रिप्रेजेंट हो, या हमारा पाकिस्तान जो है ना वो उसके अंदर दिखे. तो मैंने इस्लामाबाद में से मुनाल बनाया, केपीके से खैबर गेट बनाया मैंने, कुंजरा पास बनाया मैंने, और कराची से मैंने कायदे आज़म मज़ार बनाया. जी बिल्कुल, मिनी पाकिस्तान में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. जैसे उसके अंदर जो है ना मैंने एक बीच भी बनाया है. अगर कायदे आज़म मज़ार के पीछे अगर किसी ने देखा होगा या कोई विज़िट किया होगा तो वहाँ पर एक बीच भी है. मेरा इंस्पिरेशन भनेकै पब्जी इटसेल्फ हो क्या. गेम खेल्दाखेरि मैले जे कुरा अब चेन्जेस चाहिन्छ या जे कुरा यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि, त्यही कुरा चाहिँ मैले म्यापमा लगेर अनि इम्प्लिमेन्ट गर्छु. अलिकति अब एक्स्ट्रा क्रिएटिभिटी त्यति बेला अब आइहाल्यो नि दिमागमा केही. तो यहाँ पर मुझे जो लगता है कि पुरानी गेम जो है वो मैंने ज़्यादा तो उसके वहाँ से इंस्पायर हो गए. डिस्को नाइट वाला जो मैप है ना वो मैंने बनाया था, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, मैंने वीडियो भी अपलोड की थी तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का उसका फीडबैक अच्छा ही आया था. या जो न्यू क्रिएटर्स हैं, मतलब जो न्यू प्लेयर्स हैं पबजी मोबाइल को खेलते हैं, वो भी चाहते हैं कि यार अगर पुराने मैप्स जो लोगों ने खेले हैं वो हमें दोबारा से मिल जाए, हम उनको खेलें. तो वाओ मैप के अंदर हमारे पास ये चीज़ मौजूद थी कि हम जो पुराने मैप्स हैं ठीक है उनको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं. डेफिनेटली उसमें टूरिज़म और बाकी जो कल्चर है पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान की मोस्ट फेवरेट प्लेसेस जो हैं वो हमने उस पर इनकॉर्पोरेट की. इसी तरह रोहतास फोर्ट है, उस पर कह लें कि हमने उस पर एक सेपरेट मैप बनाया. जब हम इंटरटेनमेंट वाली किसी भी प्रोडक्ट या चीज़ के अंदर हम कल्चर को एडप्ट करते हैं तो वो एजुटेनमेंट बन जाती है. They're expressions of individual creativity and influences like movies, music, and pop culture. But map making isn't just influence or creativity. It takes strategy, diligent execution, and some attention to detail. अब मेरो map making process भनेको यस्तो complicated चाहिँ छैन. Like normally अब त्यो wow section मा गएर चाहिँ create mode मा गएर अनि त्यहाँ गएपछि हजुरलाई अब कस्तो खालको बनाउने, या पहिले अब टेम्प्लेटहरू पनि छ, अब हजुरलाई पहिले प्री बिल्डिङ हुन्छ नि, पुरै बिल्डिङहरू भएकै म्याप चाहिने हो कि होइन म आफै स्ट्रक्चर बनाउँछु भन्ने हो. त्यहाँनिर आफूले सेलेक्ट गर्ने, आफूलाई के इन्ट्रोड्युस गर्न मन लाग्छ, के राख्न मन लाग्छ, कतिवटा टिम राख्ने हो, दुईवटा, चारवटा, छवटा, त्यही अनुसार चाहिँ अब आफूले त्यो डिभाइसहरू राख्ने अनि कहाँ राख्ने त्यो अनुसार राखेपछि फुल फाइनल गेम प्लेको एउटा इन्ट्रोडक्सन दिएर अनि पब्लिस गरिदिने हो. लास्टमा सेभ गरेर पब्लिस गरिदिने हो अनि आफ्टर सम टाइम्स पब्जीले रिभ्यू गरेर अनि पब्लिस गरिदिन्छ अनि पब्लिकली एभाइलेबल हुन्छ. उसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं. सबसे पहली अप्रोच ये होती है कि मार्केट में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं आप उन ट्रेंड्स को फॉलो करें, क्योंकि जो ट्रेंड पहले से चल रहा है उस ट्रेंड के अंदर आप थोड़ा चेंज करके ज़्यादा उसमें से आउटपुट ले सकते हैं. मैंने अपने फैमिली ग्रुप में मैसेज किया था कि ऐसे पबजी मोबाइल के अंदर एक अपडेट आया है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो है ना मुझे जो है ना मतलब आंसर मिल गए थे, आइडियाज़ मिल गए थे. उसको मैंने एक पेपर पर जो है ना रखा, लाइक पेपर पर लिखा, और उसी तरीके से जो है ना मैंने उस चीज़ को बनाना शुरू किया. तो फिर हमने पूरा एक चार्ट जो है वो कह लें कि हमने एक डिस्क्राइब किया
कि लाइक इस हम जो है ना ये वाला फीचर अपने मैप के अंदर जो है ना वो स्पेसिफिक फीचर अपने गेम के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा, मैप बनाने के दौरान जब बंदा देखता है कि मैंने ये वाला मैप इस तरह का बनाना है, जैसे कि मैंने डिस्को वाला बनाया था, उसमें मुझे एक डिवाइस मिली कि जिसको आप RGB लाइटिंग को आप डिफरेंट टाइप पे लगा सकते हो, हर जगह लगा के उसके जो कलर्स हैं वो डिफरेंट, हर लाइट के डिफरेंट कर सकते हो, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। जो डिवाइसेस हैं ना, जब बंदा उनको सीख जाता है तो उसके बाद बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। शुरू में तो मुश्किल होता है मगर बाद में ईजी हो जाता है।